जय श्री राम और हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उस मूवी के बारे में जिसके अराउंड बहुत बहुत सारी कंट्रोवर्सी रही है। और जब से इसका टीजर लॉन्च हुआ है, जब से इसके बारे में स्टोरी जाना शुरू हुई है, तब से ही कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, पहले जनता के द्वारा, फिर सेंसर बोर्ड के द्वारा। यस, मैं बात करने वाला हूँ ओ माई गॉड 2 की। फाइनली 20+ कर्ट्स और इस सर्टिफिकेट मिलने के बाद ओ माय गॉड 2 11 तारीख को रिलीज हो चुकी है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी में क्या चीजें पॉजिटिव हैं, क्या चीजें नेगेटिव हैं, क्या स्टोरी थी और क्या आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी जो कहानी है वो कांति शरण के अराउंड घूमती है, जो कि शिव के भक्त हैं और ये पूजा की सामग्री बेचने की दुकान चलाते हैं। उनका एक बेटा है विवेक नाम का, उनकी एक बेटी है, उनकी पत्नी है। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चलता है कि उनका जो बेटा है उसको स्कूल से निकाला जा रहा है। जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो वहां पता चलता है कि उनके बेटे का एक वीडियो जो है वो वायरल हो चुका है, जो उसके दोस्तों ने खींचा था। उसमें उनका बेटा जो है स्कूल के वॉशरूम में मास्टरबेट करता हुआ दिखता है। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। सबको पता चल गया, बहुत परेशान है, लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तभी उसकी लाइफ में आते हैं महादेव के गण, जो कि अक्षय कुमार है। वो उनको बताते हैं कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए और कुछ ना कुछ करके वो उसे गाइड करते रहते हैं। और इस गाइडेंस के बाद जो कांति शरण है वो डिसाइड करते हैं कि वो एक केस करेंगे उन सारे डॉक्टर्स, नीम हकीम और स्कूल के खिलाफ जिन्होंने सेक्स एजुकेशन उनके बेटे को नहीं दिया है। तो ये जो पूरी स्टोरी है वो सेक्स एजुकेशन के अराउंड है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके कास्ट में, ऑफकोर्स हमारे पास त्रिपाठी जी हैं जो कि कांति शरण का रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें हमारे पास अक्षय कुमार हैं जो शिव के गण, जो कि पहले शिव का रोल प्ले कर रहे थे लेकिन सेंसर बोर्ड के कट्स और एडिट्स के बाद अब वो शिव के गण का रोल प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा यामी गौतम जो है वो इसमें एक जो लॉयर है उसका रोल प्ले कर रही है। बताना चाहूंगा कि इस मूवी में मुझे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लगे वो क्या है। तो सबसे पहली चीज मुझे पॉजिटिव लगी वो मुझे लगी परफॉर्मेंसेस ऑफ द कास्ट। मैं आपको बताऊंगा जो पंकज त्रिपाठी है उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है इस फिल्म में। आप देख सकते हैं कि जो पूरी की पूरी मूवी है उन्होंने अपने कंधों पे ली है। सनातन धर्म के चार स्तंभ है, उन्हें आप अश्लील कह रही। यहाँ पे शुरुआत से लगाकर अंत तक वो जो डिमीनर होता है उसको बना के रखते हैं। एक जो कैरिंग फादर है उसका, एक कैरिंग पति है उसका, इसका जो शिव के भक्त है उसका, पूरी मूवी में ये जो थीम है वो बना के रखते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने एक जो रेंज ऑफ इमोशन दिया है कॉमेडी वाले सीन्स में, जिस तरह के उन्होंने फन सीक्वेंसेस दिए हैं। इसके अलावा जिस तरह के दूसरे इमोशनल सीन्स थे वो थे, जो कोर ड्रामा होता है जिस तरह से उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है वो बहुत बहुत बेहतरीन है। हम कह सकते हैं कि इस मूवी के जो एक्चुअल स्टार है वो पंकज त्रिपाठी है। और अगर इस मूवी में आपको जो भी फन आता है, बहुत सारे कॉमेडी गैग्स हैं, बहुत सारे सीरियस गैग्स हैं, वो सब के सब पंकज त्रिपाठी को जाते हैं। और इस मूवी की सक्सेस का जो क्रेडिट है मैं जरूर पंकज त्रिपाठी जी को ही देना चाहूंगा। इसके अलावा इसमें जो यामी गौतम है उन्होंने जो लॉयर का रोल प्ले करा है बहुत ही अमेजिंग लग रही है, बहुत ही कॉन्फिडेंट लग रही है कि इस वल्गर एक्ट को कैसे डिफेंड कर सकते हैं। उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है बहुत ही सीमलेस है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि यामी गौतम को उतना क्रेडिट नहीं मिलता, उतनी सक्सेस नहीं मिली है जितनी कि वो उनका टैलेंट है। जो यामी गौतम का इस मूवी में भी पिछली मूवीज की तरह बहुत अच्छा काम है और उन्हें स्क्रीन पे देख के बहुत मजा आता है। इसके अलावा जो अरुण गोविल जी हैं जो स्कूल के प्रिंसिपल का रोल प्ले कर, उनको देख के भी बहुत मजा आता है। जो पवन जी हैं जो जज का रोल करते हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम करा, और ज़्यादातर जो कॉमेडी सीक्वेंसेस हैं वो उन्हीं के हैं। तो जब खड़े हैं तो खड़े हैं, खड़े होके ऑब्जेक्शन बोलिए, खड़े खड़े आपत्ति है महाराज। वो सब बहुत अमेजिंग है। अब मैं बताऊंगा आपको अक्षय कुमार ने जो एक्ट करा है मुझे बहुत अच्छा लगा है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी मूवी में है, उनके थोड़े थोड़े सीन्स आते हैं लेकिन जिस भी सीन में आए हैं एक मन मन सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे और एक मिस्टीरियस सा एक फेस बना के, मिस्टीरियस सा लुक, और उसके बाद जो वो डायलॉग्स देते हैं, उसके बाद जो वो एक जो उन्होंने बना के रखा है अपना एटीट्यूड, देखते ही मजा आता है। जब जब स्क्रीन पर होते हैं महादेव के लिए आपकी भक्ति बढ़ जाती है। तुम भी रखो विश्वास क्योंकि तुम हो शिव के दास, नहीं शिव के पास। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा। तो दूसरी चीज है जो स्टोरी उन्होंने करी है, जो उनका थीम है जो सेक्स एजुकेशन का, वो बहुत ही बेहतरीन है। बहुत टैबू टॉपिक है, इंडिया में ज़्यादा सेक्स एजुकेशन के बारे में बात नहीं होती है, सिलेबस में भी है लेकिन हमने देखा है बहुत बार ये जो पूरा का पूरा चैप्टर उसको स्किप कर दिया जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने हाईलाइट करा, इस चीज़ के बारे में उन्होंने बात करी, बहुत खुल के बातें करी हुई, लेकिन कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पर अश्लीलता हो रही है, वो
कहीं कोई लाइन क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जिस तरह से इन्होंने बताया है कि कैसे सनातन धर्म जो है वो इस चीज के बारे में बहुत अच्छी रिसर्च कर चुका है, किस तरह से उन्होंने इस बारे में बहुत सारी बातें करी है, तो ये चीज मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है जो स्टोरी उन्होंने इस तरह कवर करी है। इसके अलावा कुछ एक सिनेमेटिक जो जेम्स होते हैं वो मैं आपको कुछ बताऊंगा, जो मुझे इसमें बहुत बहुत जो माइन्यूट डिटेल्स होती है वो बहुत अच्छी लगी। जैसे कि जब भी आपको अक्षय कुमार स्क्रीन पे दिखेंगे तो हम देखेंगे कि जब भी सीन एंड हो रहा होता है तो नंदी जी है वो उनके पीछे चल रहे होते हैं, देखने बहुत अमेजिंग लगता है। तो सुबह की आरती होती है, जब महादेव को नहलाया जाता है तब आप देखेंगे कि वो एक नल के नीचे पानी से नहा रहे हैं और पीछे से चंद्रमा दिख रहा है जो कि बिल्कुल भगवान शिव का एक रूप प्रदान करता है, जो देख के बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा उनका जो स्टाइल है, जो डिमीनर है, जो बात करने का तरीका है, बहुत प्यारा लगता है। बहुत सारे सीन्स, एक सीन में और बताना चाहूँगा जिसमें एक कैरेक्टर होता है वो जहर पीता है, लेकिन जहर पी के उसको कुछ नहीं होता। अगले हम सीन में देखते हैं कि जो पंकज त्रिपाठी है वो अक्षय कुमार से पूछते हैं कि आपका गला नीला क्यों है, तब अक्षय कुमार कहते हैं कि किसी भक्त ने जहर पिया था वो मुझे लेना पड़ा। तो इस तरह के कुछ बहुत बहुत बेहतरीन सीन्स है जिसको देख के आपको बहुत मजा आएगा, और ऑनेस्टली मुझे ये मूवी देख के बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत मजा आया। जो सिनेमेटोग्राफी है, जो उज्जैन का लुक जिस तरीके से कवर किया गया है बहुत प्यारा है, जो नागा साधु का नृत्य है, जो उनकी पूजा करने के तरीका, जो पूजा के जो सीन्स है वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ओवरऑल ये मूवी इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में बहुत सही लगी है। अब जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूँगा तो वो जो पहली चीज़ मुझे लगी वो मुझे लगी है कि इस मूवी में कहीं पे भी मुझे भगवान को घसीटने की जरूरत नहीं लगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन का टॉपिक वो बहुत सही है, आपको ऑफ कोर्स आपने कल्चरल रेफरेंसेस भी दिए इसके बारे में बात करिए हमारे किचन में कैसा बता, लेकिन भगवान शिव को यहाँ लाने का क्या लॉजिक था मूवी देखने के बाद मुझे समझ नहीं आया। ऑफ कोर्स शिव, भगवान शिव जो होते हैं वो वहाँ पे उसको गाइडेंस देते हैं, लेकिन मतलब क्यों ये रोल कोई और भी कर सकता था, इसमें भारतीय किसी भगवान को लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये उन्होंने जबरदस्ती इसको घसीटा है और इसकी वजह से इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्सी है, इतना सारा सब कुछ लफड़ा हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं था, उन्हें रिक्वायरमेंट नहीं थी। स्टोरी अच्छी थी, परफॉर्मेंसेस अच्छी थी, लेकिन भगवान शिव को जबरदस्ती लेके आना एक गलत मूव था, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी सारी चीजें, इसमें जो बीजीएम था उन्होंने बहुत ज्यादा बीजीएम नहीं रखा है, नॉर्मल सा बीजीएम रखा है, चार गाने हैं ऊंची ऊंची वादियों के अलावा कोई भी दूसरा गाना अच्छा नहीं है। और इसका जो कंक्लूजन है वो यही है कि मूवी जो है बहुत अच्छी है, आपको देखनी चाहिए, यू विल इंजॉय द मूवी, कहीं भी आपको बोर नहीं करेगी। भगवान शिव वाला जो पार्ट है थोड़ा सा मुझे बुरा लगा है, उसको आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने इंक्लूड करा है, लेकिन मूवी जो है देखने में अच्छी है, बहुत अच्छा संदेश देती है, कहीं भी फालतू का ज्ञान देती हुई नहीं लगती है, जो चीज़ें हैं उन्होंने सीन्स में सरल तरीके से बताई गई है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू, अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए एन इंटेलिजेंट एनालिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।